अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर और यूएई गवर्नमेंट की असल हकीकत आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगते तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सभी लोग यही कहते थे कि यूएई गवर्नमेंट जिंदाबाद, यूएई गवर्नमेंट बेस्ट, यूएई गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यूएई गवर्नमेंट ने वो कर दिया। लेकिन दोस्तों, इनकी असलियत का अभी पता चल रहा है सब लोगों को। जी हाँ दोस्तों, बाकी देशों की बात कर लें तो जहाँ पर जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, उन देशों ने फ्लैटें तो सस्पेंड की हुई हैं, लेकिन उन लोगों ने इनकी तरह नाटक नहीं किया हुआ जैसे यूएई गवर्नमेंट नाटक कर रही है। डेली बेस पर जो है फ्लैटों की अपडेट दे रहा है, डेली फ्लैट की अपडेट दे रहा है, कभी ये कभी आज ओपन हो रही हैं, कभी कल ओपन हो रही हैं। लेकिन ये बात सच है, फ्लैटें तो स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लैटें तो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये फ़्लैटें किन लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही हैं? जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर महीने में यूएई में जो है एक्सपो 2020 आ रहा है। तो यूएई गवर्नमेंट अब कोशिश कर रहा है कि जितने भी तगड़े लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो है यूएई के अंदर इंटर किया जाए, बाकी जितनी भी लेबर लोग हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर नहीं रखा जाए, क्योंकि लेबर लोग जो है कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अब बात की समझ नहीं लगती हमें, जो बिजनेस मैन हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ लेबर के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपको बताया, यूएई गवर्नमेंट गोल्डन वीज़ा किन लोगों को दे रही है? पैसे वालों लोगों को ही दे रही है। किसी लेबर को आज तक आपने सुना है कि लेबर को वीज़ा दिया हो गोल्डन वीज़ा? नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है। अब इनकी कोशिश है कि जितने भी मालदार और तगड़े लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं, इथोपिया हो गया, युगांडा हो गया, 16 कंट्री के ऐसे लोग हैं जिन लोगों में से इनका क्या काम है, करीम निकालना। जी हाँ दोस्तों, जो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को निकालना और सिर्फ उन लोगों को ही यूएई के अंदर इंटर करना। क्योंकि दोस्तों, जितने भी पैसे वाले लोग होंगे, एक्सपो 2020 इनको मिलेगा, उसके बाद ये लेबर की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। अब भी आप देख रहे होंगे कि डेली बेसिस पर जो है लेबर के साथ मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। कभी कहते हैं आज फ्लैटें स्टार्ट हो रही हैं, कभी कहते हैं कल 2 अगस्त, 8 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 31 जुलाई। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पहले खुश थे, काफ़ी सारे मेरे भाई यही कहते कि यूएई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, फ्लैटें स्टार्ट की हुई हैं, बाकी सभी खलीज ममालिक ने फ्लैटें सस्पेंड की हुई हैं। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। 31 अगस्त तक फिर से सस्पेंड कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।